गाई जा क्या रोना, गाई जा क्या रोना, गाई जा क्या रोना, गाई जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना। जिसके संग जुड़ा मैं है कोठा मेरे जीवन का है कोना। गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना। नमस्कार दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के एपिसोड में मैं पारमिता गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार बस आने ही वाला है और आप जान रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम रक्षाबंधन स्पेशल बनाते ही आ रहे हैं, तो आज भी ये सिलसिला जारी है। आज हम आपके लिए एक स्पेशल कार्यक्रम लेके आए हैं और ये स्पेशल कार्यक्रम है हमारे महिलाओं के बीच रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर एक परिचर्चा। लेकिन उस परिचर्चा में जाने से पहले हम मिलते हैं झिंकी की मम्मी से। दोस्तों, आज हर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस करवा रहा है और सच कहें तो जैसे हमारे पेरेंट्स कभी कभार परेशान हो जाते हैं, टीचर्स भी डेफिनेटली परेशान होती होंगी। आज हम आपको टीचर का पहलू दिखाना चाहते हैं कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस लेने के टाइम पे उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए सीधे चलते हैं झिंकी की मम्मी के पास और मिलते हैं झिंकी की मम्मी से। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए। हेलो मैडम जी, गुड मॉर्निंग। हम चिंकी की मम्मी, आज हमने आपसे बात करने के लिए कॉल कर लिया। मैं भी आपको कॉल करने ही वाली थी जी। किस लिए? लास्ट वीक जो राखी मेकिंग कंपटीशन हुआ था, लाइव सेशन था, मैं आपसे उस बारे में बात करना चाह रही थी। हम भी आपसे उसी बारे में बात करना चाह रहे थे, पर पहले आप बताइए आप कैसे क्या बोल रही थी। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, जब लाइव सेशन होता है आप प्लीज़ बैकग्राउंड चेक करिए, कैमरे का एंगल चेक करिए, उसके बाद ही सेशन ऑन करिए। और आपने तो ऑडियो भी ऑफ नहीं किया था। वो तो हम जब आप बोली तब हमने ऑफ कर दिया था। हाँ, पर बैकग्राउंड में तो आपका बाथरूम दिख रहा था और बाथरूम में आप बच्चे को नहलाती दिख रही थी पिंक नाइटी में। हाँ तो क्या ऑनलाइन सेशन के चलते हम अपने घर के काम को भी ना करें, टाइम पर बैठे रहेंगे? आप काम करिए पर कैमरे का ध्यान रखिए, कैमरे को उस साइड मत रखिए जहाँ आप काम कर रहे हो। ठीक है, हम आगे से ध्यान रखेंगे। आपने किस लिए फ़ोन किया था? हमारी चिंकी ने इतनी अच्छी राखी बनाई, आपने उसको प्राइस क्यों नहीं दिया? आपने जो फोटो भेजी थी वो राखी बच्चे ने के हाथ की बनी नहीं दिख रही थी। आपके सामने कैमरे के आगे बैठ के बनाई थी। उस राखी में जो काम था वो 7 साल के बच्चे के हिसाब से तो नहीं लग रहा था, वो तो ऐसा लग रहा था किसी बड़े ने बनाई हो। उसमें तो बहुत सफाई थी। टैलेंटेड है हमारी चिंकी। क्या आप बात कर रही हैं? आप हमारे जिंकी के हाथ में ही इतनी सफाई है। फोटो वाली राखी का सामान तो उसके पास था भी नहीं लाइव सेशन के टाइम पे। आपको क्या पता वो क्या सामान लिए बैठी थी? आप क्या सिर्फ जिंकी को ही देख रहे थे, बाकी को नहीं देख रहे थे?
मैं सबको देख रही थी और सबकी फ़ोटो है मेरे पास। आप बोलें तो झिंकी के सामान की फ़ोटो फॉरवर्ड करूं मैं आपको? रक्षाबंधन पर हमारी झिंकी की मम्मी क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ झिंकी की मम्मी। एज यू ऑल नो, रक्षाबंधन इज अराउंड द कॉर्नर, तो इसी मौके पे आपको हम एक छोटा सा संदेश देने आए हैं। जब हम सब से मतलब आप हम सब छोटे थे, तो रक्षाबंधन में घर में बहुत रौनक हुआ करती थी। कभी बुआ आती थी, कभी हम मामा घर जाते थे। सब बच्चे, भाई बहन, राखी सब मिलजुल के बनाते थे। अब ये ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में बुआ और मामा का घर तो हो गया दूर दूर। हमारे आपके एक एक दो दो बच्चे हैं, उस पर भी किसी के घर दो बेटी हैं तो किसी के घर दो बेटे होते हैं। फिर हम आस पड़ोस के बच्चों के साथ राखी मनाते हैं। मनाना चाहिए, आस पड़ोस में भी मनाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, पर घर के बच्चों के आपस के प्यार का क्या? तो देखिए, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि जहाँ दो बहनें हैं वहाँ बहन बहन राखी बांध लो, जहाँ दो भाई हैं वहाँ भाई भाई राखी बांध लो। और हमारे घर में तो भगवान ने बेटा बेटी दोनों दिए हैं, तो झिंकी चिंटू को राखी बांध देती है और चिंटू झिंकी को राखी बांध देता है। चिंटू जब झिंकी की रक्षा करेगा तब करेगा, अभी तो झिंकी ही उसको हमारी रक्षा करती है हमारी डांट से। आफ्टर ऑल ये भाई बहन के प्यार का त्यौहार है, सब में आपसे प्यार बना रहे, बच्चा तो बच्चा ही है। थैंक यू जी। झिंकी की मम्मी का किरदार बखूबी निभा रही हैं मौलश्री अंबस्त, जो कि एक लेखिका हैं और पेंटिंग का भी शौक रखती हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हैं पेंटिंग का। उम्मीद है आपको इनका किरदार पसंद आ रहा है। दोस्तों, आइए अब रुक करते हैं हम अपनी डिबेट की तरफ। हमारे डिबेट में आज परिचर्चा का विषय है, कितना बदला रक्षाबंधन इन्हीं कुछ सालों में, और इसका संचालन कर रही हैं आकांक्षा दुबे जी और साथ में इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं ममता बघेल, शीला वर्मा जी, नेहा त्रिवेदी जी और सरिता मिश्रा। वो भी आज के दिन रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना, इसे समझो ना, नमस्कार। भारत त्योहारों का देश है। त्योहार यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। भाई बहन के अटूट बंधन को मजबूत करने वाला एक है रक्षाबंधन। समय के साथ जो चीजें बदली हैं, त्योहारों को मनाने का भी बदला है। आइए इसी विषय पर बातचीत करेंगे हम आज, कितना बदला रक्षाबंधन का स्वरूप। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए और अपने विचार रखने के लिए वक्ताओं के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं ममता बघेल जो कि शीला वर्मा जी जो कि शिक्षिका रही हैं और अभी गृहिणी की भूमिका, मिश्रा जी वर्तमान में और नेहा त्रिवेदी जी दिखाई दे रही हैं। एक महिला की भूमिका और
इस रिश्ते में जो सबसे अहम भूमिका होती है वो बहनों की, रक्षाबंधन से जुड़ा होता है, तो वो होती है। तो सभी बहनों का इस परिचर्चा में स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं ममता जी से आग्रह करती हूँ कि वे इस विषय पर अपना प्रकाश डालें, वो बताएं कि कितना बदला है रक्षाबंधन का स्वरूप, इस विषय पर उनका क्या मत है। मैं तो गृहिणी हूँ और मैं अपने परिवार के हिसाब से बात कर पाऊंगी, क्योंकि बचपन से हम लोग जो देखते आ रहे हैं, जैसे हम लोग चार भाई बहन थे, दो भाई हैं, तो हम लोग आपस में जैसे मम्मी पापा सिखाया वैसी राखी बांधते आ रहे हैं, एक दूसरे को मतलब वैसे ही सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। गिफ्ट देते थे या नहीं देते थे तो कोई जरूरी नहीं होता था, क्योंकि पहले उतना ये सब मायने भी नहीं रखता था। अभी तो क्या बच्चे लड़ बड़ के ले लेते हैं, लेकिन ऐसा वो भी प्यार से ही रहता है, ऐसा कुछ हो नहीं रहता। तो बचपन से वही चल रहा है, तो हम लोग जो बचपन से सीखे वही अब बड़े होके भी कर रहे हैं। अभी हम लोग चाहे वो हमारे घर भाई लोग को बुला लेते हैं या हम भाई के पास चले जाते हैं जी, और मतलब जी हाँ, उसका कोई स्वरूप मेरे ख्याल से नहीं बदला है, क्योंकि वो तो ऐसे भी पर्सनली उस पर डिपेंड करता है। और वही हमारे बच्चों में भी है, मेरा एक बेटा एक बेटी है, दोनों में 10 साल का डिफरेंस है, लेकिन वही लड़ाई वही प्यार, मतलब जब उनको बस ये है कि अभी गिफ्ट ऐसा रहता है कि चॉकलेट दे दिए ये दे दिए, मतलब अभी का थोड़ा सा चेंज हो गया गिफ्ट में कि ईयरफोन दे रहे हैं। हमारे टाइम में तो ना स्मार्टफोन था ना ईयरफोन था, तो इस टाइप का गिफ्ट का तो सवाल नहीं उठता था। रक्षाबंधन का इंतजार बहने इसलिए भी करती थी कि भाइयों से उन्हें स्नेह मिलेगा और उन्हें कुछ उपहार मिलेगा, ये ममता जी का पक्ष है। और आज स्वरूप थोड़ा बदला है, उपहार थोड़े कीमती हो गए हैं, लेकिन प्रेम जो है आज भी वैसा ही बना हुआ है। शीला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कितना बदला है रक्षाबंधन का स्वरूप? देखिए, अभी इस परिवर्तनशील समय जो है, अभी टेक्नोलॉजी का मोबाइल है, टीवी है, ये सब के कारण है या जो भी है, बदलाव तो हुआ है, पहले जैसा नहीं रहा है। पहले क्या, हम बहनों को भी बड़ी बेसब्री से इंतजार होता था, 15 दिन पहले भी से कि रक्षाबंधन आ रहा है, भाइयों को भी उसी तरह इंतजार होता था। लेकिन अब के समय में काफी बदलाव आ गया है। पहले हम लोग पाटे पे बाकायदा सम्मान से भाइयों को बैठाते थे, भाई बैठते भी थे बढ़िया, और सुबह से इंतजार भी करते थे। अब वैसा नहीं रहा, अब क्या करते, जैसे बैठे हैं भाई वैसी बहन भी आके बांधी राखी, वैसे भाई भी बनवा लिया। पहले हम लोग बाकायदा पाटा बिछा के, तिलक करके, अक्षत वगैरह लगा के, श्रीफल दे के, उनको सम्मान के साथ राखी बांधी जाती थी। अब वैसा मुझे देखने को नहीं मिलता। हालांकि हम लोग तो अभी वाले पहले जो हमारी परंपरा चली आ रही है उसमें चल रहे हैं, लेकिन मैं और देखती हूँ उस हिसाब से मैंने कहा कि बहुत कुछ बदल गया है इस मोबाइल और टीवी के। और भाई जी, और आजकल तो पहले तो हम लोग को गिफ्ट का ऐसा मोह भी नहीं रहता था कि हम भाई का सम्मान कर रहे हैं, बस इतना रहता था, और भाई बहनों का प्रेम अति प्रेम रहता था। अभी के जमाने में देखिए, अगर हमारे यहाँ देखती हूँ मैं, हमारे यहाँ मिस्टर राखी बहन की आ रही है, पत्नी राखी बांध रही है, नहीं तो पहले बहन के यहाँ जाते थे भाई लोग, है ना। अभी तो ये जमाना आ गया कि पत्नी राखी बांध दे रही उनकी बहन की राखी को, तो ये सब बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। पहले भाई इंतजार करते थे और जाते थे बहन के यहाँ, उस दिन बकायदा जाते थे, उस समय रहे ना रहे बकायदा राखी बंधवाने जाते थे, और उसी बेसब्री से बहन भी इंतजार करती थी, और बकायदा पाटे में बैठा के, तिलक लगा के, श्रीफल दे के। और मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल,
मुझको पुकार आती है, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज न लूं, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज न लूं। नेहा जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपका क्या मत है। हाँ, मेरा ये कहना है कि पुरातन काल से ही रक्षाबंधन का त्योहार का अपना महत्व रहा है। जैसे द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को राखी बांधी थी, तो वो अभी तक उन्होंने उनकी रक्षा की थी, और इस संदर्भ में रक्षाबंधन का और भी ज्यादा महत्व है कि ऐसा कहा जाता है कि जो जो चीजें हमारी रक्षा करती हैं, जैसे वृक्ष हमारी रक्षा करते हैं, सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, हमारा भाई हमारी रक्षा करता है, जो जो चीजें हमारी वाहन जिसमें हम जाते हैं, भगवान भी हमारी रक्षा करते हैं, तो उन सबको हम रक्षा सूत्र बांधते हैं। इस बात का प्रमाण देते हैं कि हम भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि तुम हमको करते हो, हम तुम्हारी हिफाजत भी करते हैं। ये एक तो भावना है रक्षा की, और ये रक्षाबंधन का तो मतलब हुआ। आगे की बात ये है कि लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता जा रहा है। पहले समय में ऐसा होता था कि हम भाई बहन भी बहुत तीन चार की संख्या से ज्यादा ही रहते थे, ज्यादातर लोगों के यहाँ भाई बहनों की संख्या थी और लोगों में प्रेम भी रहता था और शेयर भी करते थे, चीजों को शेयर करने की प्रवृत्ति थी। लेकिन जैसे जैसे परिवार का एकाकीकरण होता गया, छोटे परिवार होते गए, संयुक्त परिवार टूटते गए, तो लोगों के बीच में फिर अपना अपना आने लगा। भाई भी एक भाई रहा, दो भाई रहा, तो इससे स्वरूप तो चेंज हुआ है। और हम लोगों को जैसे संस्कार था कि उस समय होटल उटल का उतना कुछ, मैं अपने परिवार के बारे में, अपने परिवेश के बारे में बताती हूँ कि होटल उटल का उस समय उतना महत्व नहीं था, तो जो भी मिठाई आती बहन प्रेम से बनाती थी, हम लोगों के मन में बहुत उत्साह रहता था। हम एक दिन पहले से मेहंदी लगाते थे और काफी अच्छे से तैयार भी होते थे, लड़कियां थी वो भी साड़ी पहनती थी, और भाई का भाई भी बड़ा प्रेम से अपनी बहन को खिलाते थे जो घर में बनता था। और मेरी तो शुरू से आदत रही है कि मेरे जो भाई है मैं उन्हीं को भाई मानती हूँ, और सब चीजें और लोगों को जैसे कहो कि भाई नहीं है उनकी अब्सेंस में मैं किसी और को राखी बांधू या कुछ करूँ, तो वैसा मैंने कभी किया नहीं। अगर मेरे भैया नहीं आते तो फिर मैं बिना राखी के रह जाती, लेकिन किसी सब्सिट्यूट को नहीं लेती। मैं ईश्वर को राखी बांधूंगी, पेड़ पौधों को बांधूंगी, अपनी गाड़ी को राखी बांधूंगी, जो जो रक्षा करते हैं उनको। लेकिन ये जो चेंज हुआ है ना परिवेश, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। आजकल बच्चे लोगों में गिफ्ट की भावना बहुत ज्यादा आ गई है, और पहले फिल्में भी बनती थी आकांक्षा जी, प्रीता जी, इतनी अच्छी अच्छी बनती थी कि हम लोगों को प्रेरित करती थी। गाने भी आपने सुने होंगे, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, मतलब गाने सुन के आंसू आ जाते थे, इतनी भावनाओं का की कद्र की जाती थी। लेकिन समय के साथ में भावनाएं कम होती जा रही हैं। मैं तो देखती हूँ कि मैं अपने बारे में क्या आसपास के माहौल के बारे में कहूंगी कि बहनें तो 20-25 भाई बना लेती हैं 12 मोहल्ले में कॉलेज स्कूल में सिर्फ गिफ्ट के लालच में, और शायद वो शायद भाई उस भाई का महत्व भी या मतलब भी नहीं समझते कि क्या होता है। तो ये बहुत ज्यादा चेंज आया है। एक तो शेयर करने की प्रवृत्ति कम हुई है, दूसरा कि जो फिल्में कम बने, जो मीडिया है, कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, सिनेमा समाज का दर्पण होता है, उसने अब दर्पण दिखाना कम कर दिया है। इस वजह से भी ना ये बदलाव आया है भावना में, मैं ये कहना चाहूंगी। सरिता जी, अब हम आपसे भी जानना चाहेंगे कितना बदला रक्षाबंधन। देखिए भाई, जैसे कि नेहा जी ने शुरुआत की कि पुरानी बात से, तो मैं भी पुरानी बात से ही चालू करूंगी, क्योंकि क्या है कि हमारा इतिहास जो है वो हमें बताता है कि हमारी जो परंपराएं थी वो क्यों चालू हुई, कैसे चालू हुई। अब राखी के बारे में सबसे प्रचलित कहानी जो थी वो प्रसिद्ध थी कि मेवाड़ की जो विधवा महारानी कर्मावती, जब उनको बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की सूचना दी गई तो वो घबरा गई, नहीं रानी कुछ कर सकती नहीं थी। रानी घबराहट में बहादुर शाह से कैसे लड़े, ये सोचकर उन्होंने क्या किया कि मुगल शासक जो हुमायूं थे उनको राखी भेजकर रक्षा की याचना की, भाई हमारी रक्षा कीजिए। हुमायूं ने राखी की लाज रख ली और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह जी के विरुद्ध मेवाड़ की रानी की मदद की और उनको बकायदा प्रोटेक्शन दिया एक तरह से कहें तो। फिर उस समय से ये जो चर्चा चली कि राखी के बारे में जो प्रचलित कथाएं सोचने पर हम सोचते हैं कि क्या महान उसूल थे इस समय,
मानवीय संवेदनाएं जो थी जो लोगों में, उनको देखते ही जो परंपराएं बनती गई कि हमको राखी बांधना है। अब वो गाना है पुराना, जैसे नेहा जी ने कहा कि रेशम की डोरी वाला, रेशम की डोरी बांधने से पहले राखी का मतलब ये था कि हमको डोरी, उस डोरी को बांधना है और उस डोरी से ही रक्षा करनी है हमारे भाई की, टीका करके। भाई उस राखी के लिए ही आता था कि हमको रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का अर्थ ही है कि भाई बंधन ऐसा बांधा है जैसे रक्षा हो हमारी, है ना। लेकिन आगे आज जारी नहीं हो पाया ये। आज के टाइम में आप एक ध्यान देंगी कि आधुनिकता जो आई है, हमारे यहाँ बोलते हैं विज्ञान टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये स्मार्टफोन और ये फेसबुक व्हाट्सएप जो आए हैं, इनके फायदे के साथ नुकसान भी है। आज के टाइम में राखी बनवाने से पहले लोग ये देखते हैं कि हम अच्छे से साफ सुथरे की है कि नहीं। बहने जो थी पहले पर्व को सादगी से मनाने के बजाय अब क्या करती है, सज धज की चिंता, सज धज की चिंता थी कि हमारा ड्रेस अच्छा दिखेगा कि नहीं। भाई को राखी बांधने से पहले वो देख लेंगे कि हमारा सब कुछ अच्छा है कि नहीं। हम फेसबुक में दिखने चाहिए कि हम राखी बांध रहे हैं, चेहरा तो बैठा है भाई, हमको ये नहीं दिखना चाहिए। हमको दिखना है कि हमने, देखो भाई, हम होनी चाहिए जोरदार होनी चाहिए। पहले से राखी का अर्थ होता है, जैसे कि नेहा जी ने कहा कि द्रौपदी ने अपने वस्त्र चीर को फाड़ा और बांध दिया राखी, क्यों, क्योंकि कृष्ण जी घायल हो गए थे। भाई रक्षाबंधन का क्या अर्थ है, भाई को राखी बांधे। भाई भी आजकल ऐसे ही हो गए हमारे, राखी बांधे तो कुछ देर हुआ, शाम तक वो राखी उतर चुकी रहती है, अरे इसे हाथ में वो लग रहा है, चोटें आ रही है। कायदे से ये होता है कि रक्षाबंधन जब बांधा जाता है तो वो रक्षाबंधन जब तक बंधा रहे, हम भाई आपकी रक्षा के लिए हम राखी बांध रहे हैं, है ना। लेकिन आज के समय में ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, एक फेस्टिवल जो बना लोग, आधुनिक फेस्टिवल कि रक्षाबंधन आने वाला है, इस बार हमको क्या गिफ्ट मिलने वाला है। जो पहले की मानवीय संवेदना मन में रखी थी कि हम ये राखी जो, जैसे कि महिलाएं कहती नहीं हम मंगलसूत्र पहने हैं, मंगलसूत्र पहने रहेंगे, गले में नहीं पहनेंगे तो पति को खुश हो जाएगा। भले ही अंधविश्वास की बात है, भले ही कुछ भी बात है, लेकिन मन में एक ये रहती भावना कि हमको मंगलसूत्र पहनना है, हमको मांग बननी है। उसी तरह जब हम अपने भाई को रक्षाबंधन बांधते थे पहले रक्षाबंधन, तो ये रहता था कि नहीं हम राखी नहीं बांधे अपने भाई को, टीका नहीं किए उसकी रक्षा के लिए। और भाई भी ये सोचता था कि मेरी बहन मुझे राखी बांध रही है तो मैं उसकी रक्षा कैसे भी करूंगा। लेकिन आज के दौर में सिर्फ ये क्या रह गया है कि ये औपचारिकता नहीं, औपचारिकता तो है लेकिन एक दिखावटी औपचारिकता है, ये दिखावटी औपचारिकता है कि हमको दायित्व में बंध, जो पहले बंधी राखी रहती थी जिसे सम्मान मिलता था वो आज नहीं रह गया। रिश्ता महज ना कच्चे धागों की परंपरा हो गया है, लेन देन की परंपरा में प्यार का कोई भी मूल्य नहीं है, बल्कि जहाँ लेन देन की परंपरा होती है वहाँ प्यार तो टिक ही नहीं सकता। और हमको ये पुरानी कथाएं ये सब बताती हैं कि खतरे में फंसी बहन जो थी उसको भाई, भाई को जब वो पुकारे तो भाई तुरंत दौड़ा चला आए। तो आज के समय में हम एकदम ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हम कह दें कि 100% ऐसा हो गया है, लेकिन हाँ 80% हम कह सकते हैं कि बदलाव पूरी तरह से आ चुका है। आप विज्ञापन देख लीजिए, टीवी पर विज्ञापन आ रहे हैं कि भाई को राखी बनवाना है, उससे पहले गिफ्ट रेडी रख रहा है भाई, स्नेहपूर्वक दे रहा है, चलो ठीक है, लेकिन इसका उद्देश्य यही नहीं होना चाहिए कि हम रक्षाबंधन में राखी बांध रहे हैं तो हमें कुछ मिलना ही चाहिए। और आज के बच्चे तो डिमांड कर देते हैं कि हमको ये चाहिए राखी में भाई, और महिलाएं भी इसमें कम नहीं है आजकल, रक्षाबंधन में रक्षा हम अपनी सहेलियों की भी रक्षा कर रहे हैं, राखी बांध रहे हैं और बकायदा फेसबुक पर फोटो डाली जा रही है कि देखो भाई राखी बन रही है। ओ बहना ओ मेरे जिंजा जी का क्या कहना, रब ने ऐसी जोड़ी बनाई कहते तोता और मैना। ओ बहना ओ मेरे जिंजा जी का क्या कहना, रब ने ऐसी जोड़ी बनाई कहते तोता और मैना। ओ बहना
आप सभी के विचार मैंने जाने। मेरा मानना यह है कि रक्षा का जो सूत्र है वो अपने आप में बहुत ही अटूट है। जब बहनें उसे भावनात्मक रूप से भाई की कलाई में बांधती हैं तो ये कामना करती हैं कि भाई की रक्षा हो और ईश्वर इस सूत्र के माध्यम से हमेशा उनके साथ रहे, और भाई से ये कामना करती हैं कि जब उन्हें उसकी जरूरत हो तो भाई उनकी रक्षा के लिए उपस्थित रहे। रक्षाबंधन का स्वरूप निश्चित रूप से बहुत हद तक बदला है, लेकिन आज भी जो भावनात्मक रूप से जुड़ी हैं महिलाएं, और एक दौर की जो महिलाएं, मैं कह सकती हूँ जो हमारे दौर की महिलाएं हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं। मैं अपने बारे में भी कुछ कहना चाहूंगी। हम चार बहनों के बाद हमारा भाई आया, तो मुझे भाई का महत्व बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन हमें बड़ी प्रतीक्षा होती थी कि हमारा भाई रहे तो हम उसे राखी बांधे, और जब तक हमारा भाई नहीं हुआ था तो हमें बहुत बेचैनी होती थी, अगर बुआ के बच्चे आ जाते तो हम उन्हें राखी बांधते, लेकिन किसी किसी साल बुआ नहीं आ पाती तो हमारे पास राखी के लिए कोई नहीं होता, तो हमें बड़ा दुख होता कि हमारा भी एक भाई होना चाहिए। और जब भाई हुआ तब हमें उस रक्षाबंधन की खुशी जो है वो दुगनी चारगुनी हो गई। आज भी भाई हमारी राखी बंधाता है, और सबसे अच्छी बात की वो हमारी सारी राखियां संभाल कर रखता है, और उसके उस प्रेम से हमारा जो प्रेम है वो निश्चित रूप से बहुत जुड़ा हुआ है, तो हमें भी लगता है कि उसे हमारी राखी की कद्र है। तो रक्षाबंधन मेरे लिए तो आज भी वैसा ही है जैसा कि पहले हुआ करता था। चलिए, समय के साथ चीजें बदली हैं। मैं एक और चीज जानना चाहूंगी सरिता जी, आपसे ही शुरू करूंगी। अभी हाल ही में एक राजनीतिक दल की नेत्री ने दूसरे राजनीतिक दल के नेता को राखी भेजी है, तो इस राजनीतिकरण पे भी आप कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि भाई बदलाव तो आ गया है, वही राखी जो हमारी नेत्री है उन्होंने राखी भेजी, राखी का जवाब उन्हें एक तोहफे के रूप में मिल गया कि भाई हम आपकी बकायदा सुरक्षा कर रहे हैं, आपने हमें राखी भेजी है, हम आपकी बात माने या ना माने, हमने आपको उपहार के रूप में आपकी राखी मतलब स्वीकार करके भेज दी है। चलिए नेहा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप तो वाहनों को भी राखी बांधती हैं, ईश्वर को राखी बांधती है, बहुत सारी बहनें सैनिकों के लिए राखी भेजती हैं, सैनिकों के कहीं कहीं पे एकल परिवार होने की वजह से बहनें ही बहनों को भी राखी बांध रही हैं, ये भी है। तो आपको क्या लगता है कि राखी में जो भाई बहन का जो नाता है वो बहन बहन के नाते से मेल खाता है? बिल्कुल आकांक्षा जी, क्यों नहीं, अगर भाई नहीं और बहन है और बहनें एक दूसरे की रक्षा करती है, मेरा तात्पर्य ये है कि रक्षा जो भी आपकी रक्षा करता है, ये तो हमारा एक समाज की पृष्ठभूमि है या उसके डिजाइन है कि भाई को रक्षक बनाया गया और भाई को ये कहा गया कि वो बहन, क्योंकि फिजिकली जो पुरुष होते हैं वो सक्षम होते हैं हर स्थिति से लड़ने के लिए, ऐसी भावना सबके मन में पैदा की गई थी शुरू से, तो इस वजह से भाई को स्ट्रांग आज, लेकिन जैसे जैसे समय बदला है तो लोगों की सोच ही बदली है। अब जब महिला और पुरुष कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, महिलाएं कई परिवार तो ऐसे भी हैं जिसमें महिलाएं घर चला रही हैं, तो क्यों नहीं, मैं तो कहूंगी कि बहन भी बहन, अगर भाई नहीं है और अगर किसी और घटिया और रद्दी और बुरे आचरण के लड़के को भाई बनाने से अच्छा है, अगर आपकी बहन बहुत अच्छी है तो उसको आप राखी बांधें, बिल्कुल बांध सकते हैं, 100% बांध सकते हैं, बहुत अच्छी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात कही है नेहा जी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ जी। शीला जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी, आपने कहा था कि पत्नियां भी राखी बांध देती हैं पति, तो अब तो कोरोना काल में बहुत मुश्किल है उन बहनों का भाई तक पहुंचना जो दूर रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर पत्नियां पति को राखी बांध देती हैं तो इससे क्या रक्षाबंधन का महत्व कम हो जाता है या बदल जाता है? नहीं नहीं, ऐसे बदलता तो नहीं है, आप कोरोना चल रहा है तो सही बात है कि बहन तक कोई जा नहीं सकता, भाई भी नहीं आ सकेंगे, हमारे दो भाई हैं, एक है एक चले गए दुनिया से, तो यहीं कहीं भी वो भी नहीं आ सकते, रायपुर में ही है लेकिन नहीं आ सकते, पर वो भी ठीक है, मतलब अब समय को देखते हुए तो वो करना ही पड़ेगा। और एक मिनट, मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे भी एक परिचित है, वो भी अपनी पत्नी से राखी बनवाते हैं, और इसलिए बनवाते हैं क्योंकि पत्नी का ये कहना है कि मेरा अर्थ रक्षा से है तो मेरे पति भी मेरी रक्षा करते हैं, तो अगर मैं उनको राखी बांधती हूँ तो कुछ करती है, ठीक है,
सही बात है यदि की रक्षा करते हैं पति भी पति तो राखी बांध सकते हैं। मैंने कहा कि बहने बहने भी एक दूसरे को ये भी सही है कि अगर भाई नहीं है तो बहने लेकिन स्वरूप बदल जाएगा स्वरूप ही बदल जाएगा। पति पत्नी एक दूसरे की रक्षा करने की राखी बांधने लगे तो फिर गहरा चौक रहने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ रक्षा बंद ठीक है। एक एक बहन प्रेम को रक्षा सूत्र में वहां तक पहुंचना और पत्नी का उसे उस तौर पर बांध देना कि उस समय उसकी बहन उपस्थित थी, बांध तो वो उसी भावनाओं को रही होती है जो उसकी बहन ने भेजी है, तो वहां पे हम उसको उस दृष्टि से ना देखें कि पत्नी ने पति को बांधा, तो हम उसे उस दृष्टि से ना देखें कि वो रक्षा करे, बल्कि वो उस भावना को बांध रही होती है जो उसकी बहन ने उस राखी में भेजी होती है। ममता जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि आप एक सही परिवार में नहीं, आपने बहुत करीब से रक्षाबंधन को एकदम पारंपरिक तरीके से, तो आज भी क्या आप पारंपरिक ढंग से ही राखी मनाती हैं? हाँ हम लोग अभी भी वैसे ही करते हैं, मतलब सब भाई बहन एक जगह मिल जाते हैं और हम लोग करते हैं, मतलब बड़े लोग आपस में मतलब टीका लगाते हैं, नारियल देते हैं और राखी बांधते हैं। अब भाई लोग फिर हम लोग को अब पैसे देते हैं, हम लोग उनसे नहीं छोटे हैं तो मत दो ऐसा कहते हैं, लेकिन अब उन लोग देना रहता है दे वो एक नेक है जी। अपने बच्चों को भी क्या आपने ये परंपरा सिखाई? बच्चों को हम लोगों ने सिखाया, बच्चे आजकल हम लोग की बात कमी ही मानते हैं ना, तो उन लोग को जैसे बोलो राखी बांध लो, थाली नहीं दे दिए, सजा वजा के दे दिए, कपड़े बदल लो बेटा, तो एक जन बदला एक जन नहीं बदला है, और ठीक है ना मैं बांध लेता हूँ, मतलब जाना रहता है ना सबको इधर उधर, मतलब जैसे कोई अपनी बुआ के यहाँ जा रहा है या मेरे साथ कोई जा रहा है, इस टाइप का अलग अलग चलते रहता है, तो लोग क्या करते हैं मतलब उतना उससे नहीं लेते हमारे टाइप सीरियसली, हम लोग बकायदा पाटा बिछा के मतलब तैयार होके टीका वीका सब लेके बैठते हैं और हम लोग अरे नहीं नहीं ठीक है टीका नहीं लगाई तो ऐसे बांध दो जी मैं कहना चाहूंगी भाई संयुक्त परिवार में तो मैं भी रही हूँ और मैंने राखी को बहुत ही अच्छे से मतलब बहुत इंजॉय किया। क्या हम वैसे तो मेरे दो ही भाई हैं लेकिन हमारे जो कजन ब्रदर्स हैं 13 है और हम बकायदा जितने जहाँ रहते हैं हम उनको एक साथ ही राखी मानते हैं। हम लोग भी ऐसी है मतलब 14 सारे नियम के हिसाब से बैठाते हैं, पाटे पे बैठते हैं, साथ में तिलक करके, मतलब हम बहुत अच्छे से राखी मनाते हैं। लेकिन आजकल जैसे देख रहे हैं उस हिसाब से बदल गए हैं, स्वरूप से बदला है, क्योंकि आजकल तुम पहले बनवा लो हम बाद में रहेंगे, अच्छा तुम वहाँ वेट करो हम आते हैं, जो पहले संयुक्त परिवार जो रहते थे वो अब कारण भी इसका इसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ गए। पहले पहले हमारा एक भाई था, मतलब है अभी भी छोटा भाई मेरा, वो इतना शौकीन था राखी बनवाने का कि पूरे हाथ में बांध दीजिए, मतलब जहाँ जगह है वहाँ भी दिखाने के लिए कि देखिए मेरी कितनी बहने हैं, कितनी बहने हैं मेरी, बड़ी बड़ी राखी लाइएगा, जो वो उसमें फोम वाली राखी ताकि हाथ भर जाए, ताकि हाथ भर जाए, और वो पूरे टाइम शाम भर बांध के रखे कि देखिए मेरी बहने हैं, इतनी बहने फिल्मों देख के। लेकिन आज कल ऐसा क्या, प्लीज दीदी डोरी वाली राखी लाइएगा, दीदी डोरी वाली बांधिएगा, तो देखिए सिर्फ कितना बदलाव आया है जी। बदलते वक्त के साथ चाहे त्योहार को मनाने का स्वरूप बदला हो, लेकिन रक्षाबंधन में जो प्रेम बहन का भाई के लिए है वो आज भी वैसा है, और हम यही कामना करते हैं कि इस रक्षाबंधन भी बहनों का प्रेम भाई उसी तरह मिले, भाई उसी तरह बहनों की रक्षा करे। पारंपरिक तरीके से जो रक्षाबंधन मनाने का तरीका चला आ रहा है, हम कोशिश करें कि अपनी आने वाली पीढ़ी को उस परंपरा को सिखा सके, क्योंकि जो प्रेम जो स्नेह हमें उस पारंपरिक ढंग से किसी त्योहार को मनाने में आता है, जो आनंद हमें उस तरह से मिलता है, वो आनंद वर्तमान समय में वर्तमान तरीके से मनाने में नहीं आता। यदि हमें इस त्योहार की गरिमा को बनाए रखना है तो मैं आपसे
किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूँ ना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। हाँ हाँ ठीक है। नेहा जी आपसे शुरू करते हैं, इस रक्षाबंधन पर आप क्या कहना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को? श्रोताओं को यही कहना चाहूंगी कि वो बच्चों को, अपने बच्चों को हम पुराने समय याद दिलाए, उन्हें वो सब गाने सुनाए कि चंदा रे मेरे भैया से कहना, किस तरह से चंदा से भी हम प्रार्थना करते थे कि हमारे भाई से कहना कि याद कर रहे हैं, उन्हें प्यार करना सिखाए, जिसकी कमी दिखाई देती है हर हिस्से में। तो अपने बच्चों को एक पुराना समय कोई खराब नहीं था, ये नई टेक्नोलॉजी के चक्कर में आके हम लोग जो नई नई चीजें सीख रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन रिश्तों को, प्यार को, उसकी कमी जो महसूस कर रहे हैं उसको फिर से उन्हें याद कराना है, उन्हें वो सब बताना है जो हम करते थे, और कम से कम अपने घर को संभाल के रखें। जब सब अपना अपना घर संभाल के रखेंगे, अपने अपने घर में सारी परंपराएं जिंदा रखेंगे, तो पूरा देश आज वही समय लौट आएगा। टेक्नोलॉजी भी हमें नई चाहिए, लेकिन प्रेम मोहब्बत इससे सारे पुराने चाहिए, ये कहना चाहूंगी इस रक्षाबंधन। हाँ ममता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस रक्षाबंधन पर आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं भी वही चाहती हूँ कि पुरानी परंपरा ही कायम रहे, क्योंकि प्यार तो अभी भी करते हैं, लेकिन अभी उसका स्वरूप बदल गया है, तो अभी नए के हिसाब से ज्यादा अच्छा नहीं है, तो पुराने को ही माने और बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी छोटे हैं, हो सकता है बड़े होके ज्यादा फॉलो करें, हमारी बात माने, तो बिल्कुल आगे यही परंपरा चलते रहेगी। शीला जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को? जी, मैं वही संदेश देना चाहूंगी कि जो हमारे टेक्नोलॉजी युग तो बहुत अच्छा है, साइंस में काफी प्रगति की है, लेकिन फिर अपनी पुरानी जो परंपरा है उसको कायम रखते हुए, जैसे गाने हैं भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, तो इस दृष्टि से मतलब राखी को उसी परंपरा के साथ निभाते चलें, और अपने घर में जो बच्चे हैं उनको भी अच्छी तरीके से उनको पिछला जो है उसको बताया जाए और उनको सिखाया जाए, तो वो जरूर समझेंगे कि राखी का पवित्र बंधन क्या होता है। सरिता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, आज के दौर के समय तो यही संदेश दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो भाई भाई भी जाए वहाँ सुरक्षित रहे, बहन अपने घर से उनके लिए कामना करें, भाई भी यही कामना करें कि बहनें जहाँ हैं वहीं सुरक्षित रहें, और आगे की पीढ़ियों के लिए तो यही कहा जा सकता है कि पुरानी बातें, पुरानी परंपराएं उन्हें बताई जाए, बिना बताए बच्चा नहीं जानेगा कि भाई पहले हमारे यहाँ क्या चलता था, कैसी परंपरा थी। और रक्षाबंधन तो ऐसा त्यौहार है कि जितना उसके बारे में जाने उतना ही अच्छा है, नई पीढ़ियों को यही सिखा सकते हैं कि भाई बहनों और खास करके बाहर जो दूसरी लड़कियां हैं, भाई आपकी बहनें नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपकी जो आपने जिन बहनों ने आपको राखी बांधी है वही आपकी बहनें हैं, तो हम उन्हीं की रक्षा करेंगे। तो हर माताओं और बहनों को तो अपने पुत्रों को ये सिखाना ही चाहिए कि हम बाहर निकल रहे हैं तो जो लड़कियां हैं, भाई जरूरी नहीं कि आप उनको बहनें बना लीजिए, आप भाई राखी बांध दो बोल के, लेकिन उनकी इज्जत करना सिखाएं, महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं रक्षाबंधन में। और ये मुझे लगता है कि महिलाओं का सबसे बड़ा तो और सबसे बड़ा बड़े कारण जो है महिलाओं का के पास ही है कि ये वही है जो अपने बेटों को शुरू से सिखा सके। और अब चलते चलते मेरा सिर्फ यही संदेश है सभी श्रोताओं को, चलो फिर से हाथों में मेहंदी लगाएं, भाई के माथे पर तिलक सजाएं, आरती का थाल सजाए लिए उसमें रक्षा का सूत्र लगाएं।
रक्षा का सूत्र बांधे स्प्रे। इतनी सार्थक चर्चा सुनकर मुझे बहुत ही आनंद हुआ। आप सभी को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, चलते चलते वक्त का पता ही नहीं चला, लेकिन उम्मीद है आपको ये परिचर्चा पसंद आई होगी, हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है आज का, तो इसे जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कल हम फिर मिलेंगे आपसे दोस्तों एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।